देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एक दिवसीय गिरावट के बाद सी बोर्ड यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर शुक्रवार को सोयाबीन, गेहूं और मक्का वायदा में मजबूती देखने को मिली थी। तीनों ही कमोडिटी तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दी थी। वहीं साउथ अमेरिका में चल रही सोयाबीन की कटाई से मार्केट में उपलब्ध हो रही सोयाबीन के बावजूद अमेरिका की सोयाबीन की सप्लाई अच्छी ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे अमेरिकी सोयाबीन वायदा लगातार तेज ही देखने को मिल रहा है। सी बोर्ड पे सोयाबीन का मई वायदा 70.10 डॉलर प्रति बुसल पर बंद होता नजर आया। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग ने शुक्रवार को कहा कि निजी निर्यातकों की विपणन वर्ष 2021-22 में चीन को 1,32,000 टन सोयाबीन की बिक्री की। इस सप्ताह ये तीसरी बार था जब सरकार ने पुरानी फसल को सस्ते दामों में बेचा। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी सोयाबीन ब्राजील और अर्जेंटीना की सोयाबीन के मुकाबले सस्ती पड़ रही है, जो अमेरिका को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहा है। वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदने वाले देशों ने अमेरिका की ओर रुख किया है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर सूखे के हालात के चलते सोयाबीन का उत्पादन कम रह रहा है, जिससे अमेरिका को काफ़ी फायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।